तो क्या हाल चाल दोस्तों, 2024 के अंदर भाई साहब अब एक्सिस बैंक ने भी अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ला दिया है और भाई साहब इसी वीडियो के अंदर इस अकाउंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब देखो, कहने के लिए तो एक जीरो बैलेंस है और भाई साहब इस अकाउंट के अंदर आपको फ्री एटीएम कार्ड, फ्री चेकबुक और यहाँ पे फ्री पासबुक दिया जा रहा है। इवन इस अकाउंट के अंदर कोई भी चार्जेस भी नहीं लगाया जा रहा है। भाई साहब यही बात हजम नहीं हो रहा है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ पे अकाउंट कैसे खोलना है लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, एक बार अकाउंट ओपन करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो एक्सिस हमें जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली इसके अंदर हमें फैसिलिटीज क्या मिल रही है और यहाँ पे जो हम फैसिलिटी मिल रहा है इसके बदले एक्सिस के अंदर हमें चार्जेस क्या पे करना पड़ रहा है। तो एक बार अकाउंट का फटाक से ओवरव्यू देख लेते हैं और ये ओवरव्यू देखना भाई साहब आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देख लो और उसके बाद अकाउंट कैसे खोलना है लाइव हम आपको अकाउंट ओपन करके भी दिखा देंगे। एक्सिस ने 2024 के अंदर जो अपना जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च किया है ये है एक्सिस एमेज अकाउंट। पहले इन्फिनिटी अकाउंट था जिसको चेंज करके अब एमेज अकाउंट रखा गया है। इस एमेज अकाउंट के बारे में सबसे पहले आप फैसिलिटीज सुन लो भाई साहब, हमें भी थोड़ा हजम नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सिस बैंक यहाँ पे 20 रुपए लेगा तो आपको 10 रुपए का सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब देखो, इस अकाउंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर भाई साहब जो आपको एटीएम कार्ड मिलने वाला है, जैसे ही आप खाता खोलते हो इंस्टेंटली आपका वर्चुअल कार्ड आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो आपको वर्चुअल कार्ड दिया जा रहा है इसके लिए बैंक आपसे लाइफ में कभी भी फी नहीं ले रही है। दूसरा चीज, यहाँ पे आपको फिजिकल कार्ड भी ऑफर किया जाएगा और फिजिकल कार्ड के लिए भी आपको एक भी रुपए यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको चेकबुक की सुविधा मिलेगी, पासबुक की सुविधा मिलेगी और इस अकाउंट से आप IMPS, NEFT, RTGS सारे ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे और यहाँ पे चार्जेस आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ रहा है। इस अकाउंट के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आप इसके डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% का कैशबैक, साथ में यहाँ पे आपको 3 मंथ का स्विगी का मेंबरशिप, प्लस यहाँ पे आपको 3 मंथ का अमेजन का प्राइम मेंबरशिप। भाई साहब बुक माई शो से टिकट बुक करिएगा, इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आपको उबर के ऊपर भी डिस्काउंट दिया जाएगा। अब देखो, सोचने की एक बात है कि भाई साहब एक्सिस बैंक आखिर इतना दयालु क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है और इसके बाद यहाँ पे आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा यहाँ पे फैसिलिटीज भी मिल रहा है। अब देखो, कहने के लिए तो आपको इस अकाउंट के अंदर सारे चार्जेस बिल्कुल फ्री है और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको इस अकाउंट के अंदर एक भी रुपए मेंटेन भी नहीं करना पड़ रहा है। जैसे वो पहले एक्सिस के अंदर इन्फिनिटी अकाउंट में आपको मेंबरशिप फी लिया जा रहा है, उसी प्रकार से अब इस एमेज अकाउंट के अंदर भी आपको एक्सिस मेंबरशिप फी आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस अकाउंट के लिए आपको मंथली 200 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब आप ईयरली 2200 रुपए का पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको एज अ सब्सक्रिप्शन फी में ये अकाउंट ऑफर किया जाएगा। अच्छा, अब एक बार देखते हैं एक्सिस के जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जिसके अंदर यहाँ पे हमें पैसे मेंटेन करना पड़ता है। तो देखो, अगर आप आज के टाइम में एक्सिस के अंदर इनका ASAP अकाउंट जो डिजिटल अकाउंट है अगर आप इसे खोलते हो तो आपको इस अकाउंट के लिए 590 रुपए ATM का चार्जेस देना पड़ेगा। साथ में अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर है तो आपको अपने अकाउंट में 12,000 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे। वही अगर आप सेमी अर्बन एरिया में है तो आपको 5,000 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे और रूरल साइड में है तो आपको 2500 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे। तो अगर आप इसे भी देखो तो यहाँ पे आपको 590 रुपए ईयरली लिया जा रहा है और बाकी यहाँ पे आपसे पैसे मेंटेन करवाया जा रहा है। लेकिन एक्सिस के इस एमेज अकाउंट के अंदर भाई साहब आपको 2200 रुपए ईयरली एज अ सब्सक्रिप्शन फी पे करना पड़ रहा है। भले ही सब्सक्रिप्शन फी पे करने के बावजूद आपको ये सारी सर्विसेज मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करने से पहले एक बार कंक्लूजन कर लेना कि ये अकाउंट आपके लिए वर्थ इट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अब देखो, अकाउंट के पूरे जो बेनिफिट्स और जो चार्जेस है मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, अब फटाफट से अकाउंट को कैसे ओपन करना है इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो भाई साहब एक्सिस बैंक के अंदर ये अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया है। अब देखो, एक बार जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हो आपको अकाउंट ओपनिंग पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहां पे आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर और अपना आधार नंबर और आप इस एक्सिस बैंक के अंदर जो भी अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाना चाहते हो वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप फिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। अब एक बार जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक्सिस बैंक के द्वारा 6 अंक का OTP सेंड किया जाएगा। अपना OTP यहाँ पे आपको फिल करना है और उसके बाद आप नीचे कंफर्म OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो भाई साहब अपना OTP कंप्लीट वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप वो नंबर डालेंगे जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही OTP के थ्रू आपका दोनों यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने आधार कार्ड से हमारा नाम, हमारा फोटोग्राफ्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आ चुका है और इस एक्सिस बैंक के अंदर भाई साहब आप जो भी अपना ईमेल आईडी लिंक करवाना चाहते हो अपना कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पे आप फिल करोगे, वेरीफाई वाले
वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके ईमेल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। अब एक बार जैसे ही अपनी ईमेल आईडी को आप वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने और भी इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं, जैसे कि भाई साहब आपका मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है या फिर अखंड सिंगल है, ये सब आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन में भाई साहब आपने कहाँ तक पढ़ाई कंप्लीट किया है ये बताना है। ऑक्यूपेशन टाइप में आप क्या काम करते हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर रिटायर्ड पर्सन हो, जो भी हो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। और एक ऑप्शन आता है सोर्स ऑफ फंड का, यहाँ पे जो आपको पैसे मिलते हैं वो आपको पॉकेट मनी मिलते हैं, पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं या फिर भाई साहब आप खुद कमाते हो या फिर एग्रीकल्चर, जो भी है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। और नीचे आपको एनुअल इनकम बताना है कि आपका सालाना आय कितना है, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। एक्सिस बैंक में आपको अच्छे ऑफर्स के लिए या फिर इन फ्यूचर आपको एक्सिस बैंक से जो भी प्री अप्रूवल ऑफर अगर आप चाहते हैं तो अपना एनुअल इनकम यहाँ पे आप 3 लाख से अबव लिखेंगे, तभी आपको एक्सिस बैंक के अंदर इन फ्यूचर क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, उसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो अपनी पहली स्टेप कंप्लीट करने के बाद दूसरे स्टेप के अंदर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स फिल करना है। अब देखो इसमें आपको अपनी फादर्स का फर्स्ट नेम, फादर का लास्ट नेम, मदर्स का फर्स्ट नेम और मदर का लास्ट नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड पे जो आपके पिताजी का नाम प्रिंट है उसे आप फिल करेंगे, माताजी का नाम फिल करेंगे। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नॉमिनी का भी ऑप्शन आ रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे आपको अकाउंट में नॉमिनी बिल्कुल ऐड कर लेना है। तो सिंपली आप ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ऐड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप नॉमिनी का पूरा नाम, अकाउंट होल्डर को नॉमिनी के साथ क्या रिलेशनशिप है वो फिल करना है और यहाँ पे नॉमिनी का पूरा डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। अब देखो यहाँ पे अगर आपका एड्रेस और आप जिनको नॉमिनी बना रहे हो उनका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप यस करोगे और सिंपली आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हो आपको अकाउंट ओपनिंग के तीसरे स्टेप के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पे आपका एड्रेस आपके स्क्रीन पे आ जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हो तो अब आप अकाउंट ओपनिंग के तीसरे स्टेप के अंदर आ जाते हो, जहां पे आपको अपनी एड्रेस वगैरह फिल करनी है। तो आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस मेंशन है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप अपने आधार एड्रेस के अंदर नहीं रहते हो, मान लो आप कोई दूसरे एड्रेस के अंदर रहते हो, तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करके जो भी आप एड्रेस पे रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पे आप दे सकते हो। तो हम अपने आधार एड्रेस रह रहे, सिंपली हम यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपका रेसिडेंस है, मतलब जो आपका घर है वो आपको खुद का है या फिर आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया है या फिर आप रेंट पे रहते हैं, ये सब यहाँ पे आपको फिल करना है। आपके एड्रेस के मुताबिक जो भी आपका नजदीकी ब्रांच है यहाँ पे वो आ चुका है और यहाँ पे आपका पूरा ब्रांच का एड्रेस भी आपको देखने को मिल जा रहा है। अब मान लो आप उस ब्रांच के अंदर अपना अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको चेंज ब्रांच का भी ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करके अपना ब्रांच वगैरह चेंज कर सकते हो। तो भाई साहब सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर दोगे और सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब एक बार जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अभी तक आपने जो भी अकाउंट ओपनिंग करते टाइम जो भी सारे डिटेल फिल की है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार आप इसे अच्छे से चेक कर लेंगे और सिंपली आपको नीचे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं अब आपके सामने वीडियो केवाईसी का पेज आ चुका है। यहाँ पे आपको अपने अकाउंट के लिए वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए आप कनेक्ट टू एन एजेंट पे क्लिक करेंगे। अब देखो एक बार जैसे ही कनेक्ट टू एजेंट पे क्लिक करते हैं, बेसिकली आपका ये जो कॉल है वो एक्सिस बैंक के वीडियो केवाईसी डिपार्टमेंट के अंदर कनेक्ट हो जाता है और सबसे पहले यहाँ पे आपका वो लोग फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, तो आपको अपना फोटोग्राफ्स क्लिक करवाना है। उसके बाद वो लोग आपका पैन कार्ड का फोटो लेते हैं, आधार कार्ड का फोटो लेते हैं और यहाँ पे आपसे सिग्नेचर ले जाता है ताकि आपके बैंक में अपडेट किया जा सके। सारा स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद एक्सिस बैंक की जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे जो आपकी अकाउंट की केवाईसी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए एक बार जैसे ही आपका वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है आपके सामने यहाँ पे फंड ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे पहली दफा आपको अपने अकाउंट में पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोल रहे हैं तो जिसके लिए आपको इनिशियल अपने अकाउंट में 5,000 रुपए का डिपॉजिट करना होगा और ये जो पैसा है आप अभी डाल सकते हैं और आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो सब्सक्रिप्शन प्लान बताया था उसे आप मंथली लेना चाहते हैं या फिर एनुअली लेना चाहते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो कम से कम 6 महीने के लिए आपको यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा, नहीं तो एनुअली आपको 2,200 रुपए यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से चेक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप यूपीआई कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे ऐड कर देंगे। अब देखो एक बार जैसे पैसे ऐड कर देते हैं यहाँ पे ये पैसा आप ही के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और पैसे क्रेडिट होने के बाद यहाँ पे आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो आपको जनरेट हो जाता है। अपने वर्चुअल कार्ड के जरिए आप अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पे भाई साहब आपका जो फिजिकल कार्ड है जैसे कि आपका चेकबुक और यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाता है। पासबुक अगर आपको चाहिए तो आप ब्रांच विजिट करके पासबुक भी ले सकते हैं। तो भाई साहब एक्सिस बैंक के अंदर इस जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दिया।
दिया है। अगर आपको अब भी कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन बच चुका है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।